हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल पॉप फ्रेंड्स में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप खुश हो, तंदुरुस्त हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइबर लाइक करें। चलिए हमारा आप मिलकर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हियर वी गो। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश स्टेट के वाराणसी सिटी में रिक्शा चलाने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति नारायण। इनके चार बच्चे हैं, तीन बेटियां और एक बेटा। इनकी इनकम लगभग 150 रुपए से 450 रुपए है। इसके अलावा कुछ खेत था जिसको इन्होंने मात्र 40,000 रुपए में बेच दिया और वो पैसा इन्होंने उनके बच्चों के करियर के लिए उपयोग कर लिया। हेल्थ इशू की वजह से आजकल रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया है। बट इस वीडियो में मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ, सबर करो, क्योंकि इंडिया में ये एक सेंसेशन से कम नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक बड़ा सा सपना देखा था। कहते हैं एक गरीब के लिए ऐसा सपना देखना भी एक सजा के बराबर है। वो सपना था एक आईएएस ऑफिसर के बाप बनने का सपना। जी हाँ, ये है आईएएस ऑफिसर गोविंद जायसवाल के पिताजी नारायण जायसवाल। गोविंद जायसवाल घर की पुअर कंडीशंस के लिए सपना देखना नहीं छोड़ा और साल 2006 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस एग्जाम क्रैक किया था विद एन एआईआर ऑफ 48। बचपन में गोविंद जब उनके फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे तब उनके साथ कुछ बदसुलूकी हुआ। तब गोविंद को समझ नहीं आया ऐसा बर्ताव का रीजन। समय के साथ गोविंद बड़े होते हुए गए और तब उनको समझ में आया उस दिन हुआ उस बदसलूकी का मतलब। उस दिन से गोविंद ने प्रण ले लिया कि चेंज द सिस्टम और एल्स चेंज द सिस्टम और निकल पड़े आईएएस बनने की सपने को लेकर। कड़ी मेहनत, सेक्रीफाइस और पेशेंस के बाद उन्होंने क्रैक किया इंडिया टफेस्ट एग्जाम, वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विद एन ऑल इंडिया रैंकिंग ऑफ 48। जब आईएएस ऑफिसर गोविंद जायसवाल जी को पूछा गया उनकी सक्सेस का राज, तो उनका कहना था, टुडे आई एम थैंकफुल टू माय सर्कमस्टेंसेस एंड हार्डशिप्स थ्रू व्हिच आई हैव एवॉल्वड एंड कर्व्ड प्रोग्रेस। आज आईएएस ऑफिसर गोविंद जायसवाल एक टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिन्होंने ज्वाइनिंग के बाद कई सारे टॉप पोस्ट को हैंडल किया है और उन टॉप पोजिशंस में रहकर उन्होंने उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फ्लॉलेस तरीके से सक्सेसफुली हैंडल किया है। फाइनली ये है हमारे रिक्शा पुलर श्री नारायण जायसवाल के बेटे आईएएस ऑफिसर गोविंद जायसवाल की इंस्पिरेशनल रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या आप भी मेरी तरह मोटिवेट हो गए हैं आईएएस ऑफिसर गोविंद जायसवाल जी की रियल लाइफ स्टोरी को सुनकर। पॉप प्रिंट टीम की तरफ से इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है और भी कुछ वीडियोस ऐसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।